बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने किचन से आपके लिए मीठी टिक्कियों की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आप तक फ़ौरन पहुँच सके। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें जो अज्जा दरकार हैं वो ये हैं। 2 कप मैदा ले लें, 2 टेबल स्पून हमने सफ़ेद तिल लेने हैं, 1/2 कप हमने सूजी लेनी है, 6-7 छोटी इलायची लेनी है, हरी वाली सब्ज़ इलायची जो होती है। ये मैंने छोटी इलायचियों को पीस लिया था, 1 टीस्पून चीनी और 6 इलायचियों को मैंने कॉफ़ी ग्राइंडर में डालकर बारीक सफ़ूफ बना लिया था, और 1 कप चीनी लेकर हमने उसको बारीक पीस लेना है। 1/2 कप दूध लेना है हमने, नीम गर्म दूध होना चाहिए। 4 टेबल स्पून पिघला हुआ घी लेना है, 4 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा लेना है। आइए हम मीठी टिक्कियों के लिए डो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा बाउल ले लें और उसमें तमाम अज्जा, ड्राई अज्जा डाल दें, मैदा डाल दें, पिसी हुई चीनी डाल दें, सूजी डाल दें, सफ़ेद तिल डाल दें, पिसा हुआ खोपरा डाल दें और इलायची पाउडर शामिल कर दें। अब इसके अंदर घी शामिल कर दें और चमचे की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब स्पून की मदद से तमाम अज्जा एक साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो अब हमने दूध शामिल करना है। 1/2 कप दूध हमने डालना है इसमें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। देखिए मैं किस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करना है और चमचे से मिक्स करते रहना है। जब तमाम दूध हम शामिल कर देंगे उसके बाद हमने इसको हाथों की मदद से मिक्स करना है। हाथों की मदद से जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं इस तरह से हमने गूंदना है। देखिए ये किस तरह से मैं आटा गूंद रही हूँ, आपने भी इसी तरह से आटा गूंदना है। तमाम अज्जा को समेटते रहें, आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, ये इस तरह से एक डो की शक्ल इख्तियार कर जाएगा थोड़ी देर बाद। देखिए ये मुसलसल गूंदने से किस तरह से ये एक डो तैयार हो गया है। देखिए ये कैसी कंडीशन है डो की, इस तरह से ये देखें। अभी हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, तो हमारी ये सूजी जो है वो फूल जाएगी और डो और थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। एक पैन ले लें और उसमें डीप फ्राइंग के लिए घी डाल दें। ये मैंने घी लिया है और इसको थोड़ा गर्म कर लिया है। अब देखें ये रेस्ट के बाद आटे की ये कंडीशन है। आटा लें और उसको बीच से हाफ कर लें और उसका गोल पेड़ा बना लें। एक हिस्से का गोल पेड़ा बनाएं और इसको अब हमने बेलना है। थोड़ा सा खुश्की स्प्रिंकल कर दें, मैदा जो है उसको स्प्रिंकल करें और इसको रोल कर लें, बेल लें इसको एक रोटी की सूरत में। अगर आप मैदा नहीं डालना चाह रहे तो आप इसको ग्रीस करके भी बेल सकते हैं। सरफेस को ग्रीस कर लें थोड़ा सा ऑयल से और बेलन को भी, और उसके बाद इसको इस तरह से बेल लें। हमने इसको ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना बहुत ज़्यादा पतला। फिर जब बेल लेंगे तो हमने इसको कटर की मदद से इसके राउंड निकाल लेने हैं, इस तरह से टिकिया काट लेनी है इसकी गोल गोल। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप चाहें तो गिलास या फिर किसी कप की मदद से इस तरह से राउंड काट लें। देखें ये इतनी थिकनेस होनी चाहिए टिकियों की। फिर उसके बाद हमने कांटे की मदद से इस तरह से इसको प्रिक कर लेना है। टिक्कियों की फ्राइंग के लिए हमने ऑयल के टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल अगर होगा तो टिक्कियाँ जो हैं वो ऊपर से लाल हो जाएंगी, पक जाएंगी, लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। इसलिए ऑयल के जो टेम्परेचर है वो हल्का होना चाहिए। शुरू में जब हम टिक्कियाँ डालेंगे तो वो नीचे और सरफेस पर बैठ जाएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से कुक होती जाएंगी, लाल होती जाएंगी, तो ये ऊपर आती जाएंगी। जब हम टिक्कियाँ डाल देंगे ऑयल में तो हमने चमचे को बिल्कुल नहीं चलाना। जब ये ऊपर आ जाएंगी तो तब हमने इनकी साइड चेंज करनी है। देखें ये टिक्कियाँ जो हैं अब एक तरफ से जो रेड हो गई हैं, लाल हो गई हैं और सिक गई हैं। अब हमने इसको इसकी साइड चेंज कर देनी है। जब ये दूसरी तरफ से भी पक जाएंगी, इस तरह से रेड हो जाएंगी, सिक जाएंगी, तो हमने इसको निकाल लेना है। जब दोनों तरफ से टिक्कियाँ सिक जाएंगी तो हमने इसको निकाल लेना है ऑयल से और उसको स्ट्रेनर पर डालना है ताकि इसके अंदर जो एक्सेस ऑयल है वो भी रिलीज़ हो जाए। ज
जब ये टिक्कियाँ गर्म होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। देखें ये किस तरह से सॉफ्ट है, फ़ौरन हाथ लगाने से टूट गई है। लेकिन जब ये ठंडी हो जाती हैं तो थोड़ा सख्त हो जाती हैं, थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं। टिक्कियाँ हमारी ऊपर से करारी होनी चाहिए और अंदर से खस्ता होनी चाहिए। लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खस्ता करारी टिक्कियाँ तैयार हैं। इन मीठी टिक्कियों को आप सेव कर सकते हैं, तकरीबन 15 दिन ये बिल्कुल सही रहती हैं। आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसको बंद करके रखें और इसे शाम की चाय के साथ या फिर खाना खाने के बाद मीठे के तौर से इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल किचन विद शैगी को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।